दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नगांती सुनील चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे चैनल से जो भी नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी दबा दीजिए। कोई भी वीडियो डाले ब्लॉग डाले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे घर गोबर और मिट्टी से लिपा रहा है, येलो मिट्टी से, आ कितना सुंदर हो गया है देख सकते हैं। इधर दोस्तों देख सकते हैं गोबर मिट्टी घोर ली है नगांती जी। इधर क्या कर रही थी, ये देखिए आपका मुर्गी देखिए क्या कर रही है, भगाओ उसको, जो भी करती है बाप रे साथ साथ घुरियाए रहती है। अच्छा इधर दोस्तों देख सकते हैं सिलवट का चप्पल अलग क्या सही है, चलिए कोई जितना है उतने में सजा रहे कि थोड़ा अच्छा लगे अपने सपनों का घर। तो चलिए अभी लिए लगा लेती हैं और उसके बाद क्या काम करेंगे सब दिखेगा आपको ब्लॉग में। अभी खाना भी नहीं बना है दोस्तों, खाना तो देख सकते हैं अभी नगांती जी रेडी हो गई नहा धोवा के। आइए जिलेबी खा लीजिए, आकाश खिला रहा है गया। अभी 10 रुपये का जिलेबी लेके आया और 5 रुपये का चना नगांती जी और बच्चे के लिए और दोनों चले गए हैं। अच्छा आपके लिए भी ले आएंगे, आइए। तो चलिए अभी तो दोस्तों देख सकते हैं अभी साली जी का कैसा कोयल जैसा आवाज है, बाप रे सुन के दिमाग फ्रेश हो गया। तो चलिए अभी नगांती जी जा रही खाना बनाने, अब मैं चल रहा हूँ बड़े भैया आए हैं उनसे मिलने ना जी, आप खाना बनाइए जब तक मैं आता हूँ। देख सकते हैं अभी अनुज चलाना सीख गया है बाइक, लेकिन मैं नहीं चला पाता हूँ। तो अभी घूम के आए हैं, हाँ दोनों आदमी गए थे जिलेबी लाने दोस्तों। तो आज हम लोग सैर करने वाले हैं अपने प्यारे से शादी के बारे में, कि पहली बार जब नगांती जी से शादी करने गया था कैसा महसूस हुआ था। नगांती जी से एक ही पहली नज़र में प्यार भी हो गया था अभी, हाँ, और अभी तक इनको खुश रखने की बहुत सारा कोशिश करता हूँ, लेकिन किस्मत ने थोड़ा बहुत दोष लिखा होगा तो इसीलिए थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। और बाकी नगांती जी एकदम हैप्पी है, हैप्पी है ना जी। जब पहली बार शादी करके आए थे घर पे, तो नगांती जी जिस दिन आई थी उसी दिन खाना बनाना शुरू कर दी थी। कितने घर में होता है कि 7 दिन 8 दिन के बाद बर्तन छुआ जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन मेरे को याद है कि नगांती जी आते ही खाना बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मम्मी मेरा थोड़ा विकलांग है। खुशियाँ लेके आई नगांती जी बहुत ढेर सारा। धीरे धीरे वक्त गुजरते गया और अचानक से मेरा थोड़ा बहुत तबीयत खराब होने के वजह से ये हाल है, नहीं तो हम लोग भी किसी मुकाम पर रहते। अब मुझे लग रहा है कि फिर से किस्मत आप लोग के बदौलत साथ दे रहा है कि यूट्यूब से हमारा कुछ भला होगा। आप बहुत छोटा सा बिजनेस करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएंगे, तो ये सोच लेके चलते हैं दोस्तों। और जो मैं अभी बताया कि नगांती जी पहली बार आते ही खाना बनाना शुरू कर दी ना, ये बात सच है ना। बहुत खुश हैं अपने जीवन में हम लोग, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं घर और, तो ये सब घर का समस्या है। अब बाकी आप लोग कमेंट द्वारा इतना सिखा देते हैं, इतना हौसला दे देते हैं, ऐसी हौसला बढ़ाते रहिए कि हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। बहुत कुछ अपने बारे में अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना जी, वैसी हम लोग का भी है। धीरे धीरे सब सही होगा, मेहनत खूब करते हैं। थोड़ा तेज बोलिए, वहाँ आवाज भी जाना चाहिए। मेहनत खूब करती हूँ, हाँ, दोनों आदमी मिलकर मेहनत बहुत करते हैं। आज शुरू से बहुत मेहनत कर पाया, एक बार पहले वाला भी ब्लॉग में बताया था कि 13 साल की उम्र में था, देखा कि मेरा भाई सही से पढ़ नहीं लिख पाएंगे पिताजी के कमीनी से, चला गया परदेश में अपना पढ़ाई छोड़ के। हैप्पी है अभी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत, मिथुन भी आगे बढ़ा है और 2 भाई है वो भी अपना सही राह पे है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग को सोचना है अपने बच्चों के बारे में, सबसे पहला काम
वो आप लोग के बदौलत अच्छा चल रहा है, बस धीरे धीरे ऐसी व्यूज आते रहेगा हम लोग दोनों आदमी के चैनल से, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी तीनों पढ़ने लगेंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, घर भी धीरे धीरे छोटा सा बन जाएगा। घर बनाने के लिए दोस्तों एक चीज़ सोचे हम लोग, जो कल निवास परसों चेंज करके लिया दिया था, तो अब नगांती जी का आधार कार्ड का एड्रेस चेंज होगा, फिर जाके ब्लॉक में जो कॉलोनी पास होता है वो पास करा लेंगे ना जी, थोड़ा बहुत कुछ पैसा इकट्ठा करके या कुछ रिश्तेदारों से मांग के अपना छोटा सा घर बन जाएगा, फिर कमा के सजाते रहेंगे, ये सोचे हैं दोस्तों। क्योंकि बारिश आता है तो देख सकते हैं टीनों लगता है पानी, पानी पूरा घर में भर जाता है, और उससे थोड़ा नगांती जी गिल्टी फील करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हम लोग किए जीवन में। विजय का पापा तो बहुत सारा काम किए, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ इसी मोड़ पे, किस राह पे लिया के खड़ा कर दिए। नगांती जी थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे हंसना शुरू करती है घर का प्रॉब्लम लेके और बच्चों का समस्या लेके, धीरे धीरे उलझन में फंस जाती है, लेकिन धीरे धीरे सब सही होगा। तो ये सब बातें था दोस्तों जो आप लोग से हम लोग शेयर किए, कैसा लगा ये सब बात आप बताइएगा कमेंट द्वारा, और मुझको तो पूरा विश्वास है कि एकदम अच्छा ही लगा होगा। और एक दो शब्द आप लोग को अच्छा ना लगा हो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा करिएगा कमेंट द्वारा, हौसला सिखाइएगा, हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ना, ये सब आप लोग के बदौलत हुआ है, आप बहुत कुछ आगे करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों अभी तक कितना पैसा कमा के दिया होगा नगांती जी को ये बताने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं दिया कमा के, बस खर्चा चलते रहा, जो भी कमाता था देता था तो ज़रूर, लेकिन जो महीना का खर्चा था वही सब भरने वरने में और घर पे भेजने में सब खर्च कर दिए। एक कभी आप लोग के मन में ज़रूर कन्फ्यूजन होगा, सुनील जी इतना दिन से आप काम किए हैं, कुछ तो आपको रखना चाहिए, लेकिन घर के हालात और हमारा मजबूरी था, बच्चों को पोसना वोसना जो भी पैसा उसमें खर्च होता था मम्मी के हाथ में दे देता था, कभी भी नगांती जी को नहीं भेजा हूँ कि नगांती जी ये लीजिए, जब परदेश में रहता था, जब शादी के बाद के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो है कुछ दिन से मेरे साथ रह रही थी, तब से जब से तबीयत खराब होना शुरू हुआ, वैसी काम करता था, दवा भी चलता था, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ा था तब से ये सब हो गया। अभी तक जो कहा जाए कि नगांती जी को कुछ कमा के दिया हूँ कि रखी होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हम लोग खाली हैं, जो भी कमाते हैं अपना भी देख ही रहे कि खर्च में हो जाता है, बाकी लेकिन इतना ज़रूर किया हूँ नगांती जी के लिए कि ढेर सारा खुशियाँ बांटने की कोशिश किया हूँ अपने तरफ से, लेकिन किस्मत में ही ऐसा है ना जी। तो आप भी कुछ बोलिए, खाली मैं ही बोलूँ आप बताइए, खुश है ना एकदम है? तीन तीन बच्चे सयान किए, खुश है ना एकदम, हैप्पी है, धीरे धीरे और ढेर सारा मेहनत करेंगे बच्चों को पढ़ा लिखा के, बहुत सारा खुश हो, बदलाव आ रहा है, क्योंकि आ रहा है धीरे धीरे, तो ये हम लोग को प्यार से रहने का और भगवान जी पे भरोसा रखने का ही फल है। और हमारा YouTube फैमिली इतना सारा काट चुकी है मैं, ये भगवान भी सोचते होंगे इतना दुख, और खास करके मेरे लिए दोस्तों, जब मेरा तबीयत खराब होता है तो नगांती जी एकदम होपलेस हो जाती हैं, क्या करूं किधर ले जाऊं, बहुत जगह दिखाई हैं, अभी भी दिखाई रही, जो दवा चल ही रहा है समझ सकते हैं, हाथ में चोट लगे, उंगली पे चोट लगे, दवा खाएंगे सही हो जाएगा, लेकिन दिमाग का जो कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है वो तो कितना मुश्किल होता है, दिमाग से ही सब काम होता है, दिमाग से ही हाथ, कोई चीज़ करना है तो दिमागी से करना होता है, ऐसी प्रॉब्लम हो गया पिताजी के गुजरने के बाद। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, जिसका इतना अच्छे यूट्यूब फैमिली हो, अच्छे अच्छे चीज़ सिखाने के लिए, वो तो कभी खराब हो नहीं, हाँ, ना गलत राह पे भटकने का कोई चिंता है कि हम लोग कभी गलत राह पे जाएंगे। जो भी पैसा आएगा बच्चों के भविष्य में, बारंबार कहता हूँ हर एक वीडियो में, उन्हीं के भविष्य के लिए हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, और ढेर सारा मेहनत करने का भी व्यवस्था सोचे हैं, बहुत जल्द वो दिखेगा आप लोग को वीडियो द्वारा कि सुनील जी बहुत अच्छा काम किए। तो चलिए अभी
खाना वाना खा लिए? क्या खाना बनाई थी? मैं नहीं खाया हूँ अखन ना, तो वो पूरी। हाँ तो उसे बना रहे मैंने। बाप रे, दिन में दोस्तों पूरी और सब्जी बनाई थी, अपने लिए थोड़ा सा बनाई है पूरी। ना, रात में बनाई थी, दाल चावल और आलू का चटनी ही बनाई थी। हाँ, वो दिन में बच्चे खा के चले गए पूरी सब्जी बनाई हूँ दोस्तों। अच्छा, लंच भी ले गया अभी क्या? ना नहीं ले गया, नहीं ले गया ना, दो दिन से लंच नहीं ले जा रहा। शाम को बर्थडे है तो उसमें चावल बनेगा। हाँ दोस्तों, आज एक चीज बता दूंगा, बहुत खुशी का दिन है, हमारे बड़े भैया का लड़की का बर्थडे है, छोटी वाली सबसे, तो वहीं पे आज दावत है। दिखाएंगे आपको केक कटते हुए कितना एंजॉय हो रहा है। बाकी एक दो चार पाँच आदमी जो भी है वो वीडियो में नहीं आते, बड़े भैया, छोटे भैया, बड़े दीदी, छोटी दीदी, बाकी सब बच्चे आते हैं। बाकी बच्चे आते हैं तो आपको दिखाएंगे, बहुत सारा सारा एंजॉय होगा। हाँ, जो बाबनी है, दो बड़ी बड़ी हो चुकी है तो नहीं आती अभी, जबरदस्ती लाना नहीं चाहिए किसी। हाँ, बिल्कुल बिना परमिशन। भगवान जी का बोलिए दीदी, हमारे बेटे को शादी होगा तो हम जरूर आएंगे आपके वीडियो में। अच्छा, उनके बड़े लड़के का गोल शादी में सभी आदमी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तो इंतजार का ही फल मीठा होता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं उस मुकाम का, दिन का, और खास करके एक दिन का और इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन एक छोटा सा प्यारा सा घर बना के अच्छा सा दे दूँ ना गांधी जी को, अपने बच्चों को, मेरा कर्तव्य पूरा तो जीवन भर साथ निभाने का है। जब तक बच्चों का शादी ना हो जाए, उनके लिए कुछ कर ना दे, तब तक हम लोग का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। इतना तो मुझे मम्मी ने सिखाया था, पापा ने सिखाया था, लेकिन धीरे धीरे होगा, हौसला बढ़ाने से बढ़ता है, हिम्मत रखने से होता है। कल मिथुन कितना सही से बात कहा था कि कोई भी दुख हो है उसको हंसी हंसी टालो तो कितना खुशी मिलती है उससे ना जी। दुख भी कहता है कि कहाँ आके मैं फंस गया, यहाँ तो दुख का कोई मतलब ही नहीं है, दुख सुख बराबर है, तो बहुत अच्छा बात कहा था ना जी। हाँ तो सही है। कितना प्यार दुलार मिला है उस वीडियो का, दिल से धन्यवाद आप लोग, ऐसी आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रही आप लोग। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा ना जी, ये सब बात वाला वीडियो जो भी हम लोग अपने दुख सुख के बारे में बात किए। और एक चीज़ और बात करनी थी दोस्तों, जब ये हाथ खराब हुआ था, नागांती जी कितना कुछ करी है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्था करके, पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे ना, एकदम और होपलेस हो गई थी दोस्तों, मेरे हाथ को देख के, ये वाला दहीने वाला हाथ था। तीन हॉस्पिटल लेके गई थी, निठारी है मतलब जो, हाँ निठारी में जो, हाँ सरकारी है, हाँ जो मायावती जी बनाई है, हाँ दो प्राइवेट में ले गई थी, तीनों जगह एक जवाब दिए हैं जो ये हाथ मतलब यहाँ से काटना पड़ेगा, तीनों जगह, हाँ तीन जगह एक जगह। बताइए कितना सोचने वाली बात है। उस समय मेरे तीन बच्चे छोटे छोटे थे, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे तीनों। हाँ तो ऐसे का कि जो मैं लेके फोन की घर पर, तो घर घर बोले हैं जे, ऐसे बोले जे मतलब आप लोग सुनेंगे तो गाली भी देंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा। चलिए वो मत बताइए। तो मैं अपने मायके लेके चल गई, या वहीं से बच्चे के तीनों छोड़ के मम्मी या मैं इनको लेके गए सिवान जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर हड्डी वाला, उनके पास दिखाए हैं। तो कम से कम दो ढाई महीना दवा चला, मगर दस दिन के अंदर में इनका थोड़ा थोड़ा, हाँ उंगली चलने लगा, हाथ चलने लगा, ये हाथ जो था ना इतना मोटा तो हो गया था, हाँ बिल्कुल उठने रहता, ऐसे कैसे झूल रहा था। पूरा नागांती जी घबरा गई थी लेके बात को, कि जब दो जगह बोल देगा कोई कि हाथ तुम्हारे पति का काटना पड़ेगा तो कितना क्या महसूस होता होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अभी बच्चे भी छोटे छोटे थे, दो बच्चे, विकास तो उतना दूध नहीं पिए, जब आकाश हुआ था तो उसको दूध छोड़ना था ना जी, विकास ज़्यादा दूध नहीं पिया, आकाश बहुत पिया, तो जो भी सब था, कोई कोई सब नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ तो अच्छी ना जी। नागांती जी दोस्तों देख सकते बातों बात में उदास हो गई, कोई नहीं, छोटा सा एक प्यारा सा सॉन्ग सुने ना, अच्छा इमोशनल हो गई क्या, कोई नहीं, ये सब बात भूलना भी नहीं चाहिए, याद रख, जो अपना बीते हुए कल को भूल जाए ना जी, तो जैसे कोई नहीं आगे बढ़ जाता है, जैसे मान लेते पैसा हम कमाने लगे, अपने बीते हुए कल को भूल जाए तो अच्छी बात नहीं होता, बीते हुए कैसा कल है, ये पैसा हमारे बच्चों के भविष्य में जब लगेगा तो कितना खुशी होगा, आने वाला टाइम में भी लोग कहेगा कि हाँ जो भी किए अपने बच्चों के लिए किए, ये ना कि हम लोग अपना यूट्यूब फैमिली से
सपोर्ट मांग के व्यूज के रूप में कितना आदमी मदद भी ऐसे भी करते हैं ना, आ उस पैसा को हम लोग गलत तरीके से खर्च करें चाहे अपने कोई भी चीज़ के लिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के दिमाग में। हम लोग बस केवल अपने बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ा लिखा के जो हमारे जीवन में कष्ट आए हैं वो हमारे बच्चे के पास भी नहीं आए। हाँ, पास भी ना आए। दो पैसा जैसे हमें हेल्प मिला है वो लोग को इतना बना दे के दो पैसा, वो भी किसी का मदद करके अपना पुण्य, हाँ जरूरतमंद को, तो इतना हम लोग मन में लेके चलते हैं दोस्तों हमेशा। और शायद हमारा भगवान इसलिए विनती सुनते हैं कि हमारा यूट्यूब फैमिली इतने अच्छे अच्छे हमसे जुड़ी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा, ये बात कैसा लगा, एक बार और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, एक दो शब्द आप लोग को अच्छा ना लगा हो तो माफ कर दो कमेंट में, लेकिन ज़रूर बताना। तो और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमने के फिर से मिले एगो नया वीडियो में, तब तक वो लोग अपन ख्याल रखें। हम लोग हमने के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हम लोग। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक लिए प्रणाम, बाय बाय।